प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बेगूसराय जिला के कई थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों पर मंगलवार की शाम जिस तरह सनकी युवकों ने दहशत फैलाई, लोग स्तब्ध रह गए। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का भय बिल्कुल नहीं दिखा। एक घंटे तक युवकों द्वारा फिल्मी स्टाइल में फायरिंग किया गया, जिसको मन किया उन्होंने उसे गोली मार दी। अपराधियों द्वारा 25 किलोमीटर तक की गई इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। अपराध की इस घटना के विरोध में बुधवार को भाजपा द्वारा बेगूसराय बंद कर चक्का जाम भी किया गया। इस घटना में पुलिस गश्ती दल की नाकामी को देखते हुए पुलिस कप्तान ने इस मामले में पहले विभागीय कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया। इन पुलिस कर्मियों पर गश्ती में लापरवाही का आरोप लगाया, जिस कारण से बेगूसराय के एसपी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। घटना की जांच के लिए 4 टीमों का भी गठन किया गया, जिसने छापेमारी के दौरान 5 लोगों को हिरासत में लिया और उससे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की गई है। अपराधियों की जानकारी देने पर 50,000 रुपए की इनाम भी घोषित की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस दर्दनाक घटना के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी साजिश की छुपे होने की आशंका जता रही है। तो एक्शन कर रहा है और पुलिस लगा हुआ है और कहीं कोई जा रहा था और जिसको देखते रहना था नहीं देखा, उसको सस्पेंड तक कर दिया है। और एक एक काम वहाँ का पूरा पुलिस अधिकारी एक एक काम कर रहा है। अब ये सब को कोई मतलब है? जरा बताइए ना, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, उस सबको छोड़ दीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है? आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहां गड़बड़ किया है उसको पता चल जाएगा। अभी जरा सोच लीजिए, ये सबका क्या है माइंड, सबका दिमाग क्या है, सोच सकते हैं ना? इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस एक्शन में दिख रही है। अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।